अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे थे शॉपिंग करने और हमने सोचा था कि ईद की शॉपिंग हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये देखें क्या हाल है। और अभी बल्कि हम लोगों ने जोहर टाउन भी जाना था, मेरी खाला के घर, वहाँ पे इफ्तारी थी। हमने सोचा था पहले इफ्तार करेंगे उसके बाद हम जाएँगे शॉपिंग पे, लेकिन पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेट्स सी। हाय। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और देखें रायहा आज मुझे कितना तंग करती है और अच्छा सजाया। तो जी आते साथ रायहा को मिल गया उसका फेवरेट प्लेस, बहुत अच्छे स्टफ टॉयज पड़े हुए थे यहाँ पे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी जी इनकी। इनको जॉगर पसंद आ रहे हैं मेरे। तो जी ये बच्चा पार्टी की कुछ कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। माओं के लिए मशवरा है, बच्चों को छोड़ें आप प्ले एरिया में और ख़ुद आराम से जो है मैं शॉपिंग करूँगी। इनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बस अपना नाम नंबर लिखते ना होता और बच्चे को इस तरह से बाहर नहीं आने देते। और अब जो है वो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तसल्ली से, लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले ना शायद मैं ये भी खाऊँ, क्योंकि बच्चा पार्टी वालों ने मुझे ये कूपन दिया तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए, 50% ऑफ पे है, तो चलें इसको खाते हैं। और रायहा वहाँ पर इंजॉय कर रही है और कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं। शॉपिंग क्या करनी है इनको, खाने से फुर्सत नहीं मिल रही। मुनीब आपको खाने से क्यों नहीं फुर्सत मिल रही है यार, जिम जाने का क्या फायदा? मैंने अपने अपने व्यूअर्स को दिखाना था, फॉलोअर्स को कोई शॉपिंग पिज़्ज़ा दिखाना, कई बंदे हो सकता है रोजे के टाइम पे देख रहे हैं उनका दिल तो खराब हो भाई। इसके बाद मेरे में हिम्मत हुई ना, कोई 12-1 बजे का टाइम हो गया, हिम्मत हुई तो किया गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। दो चार जूते लिए बस, बच्चे की 2-3 चीजें ली हैं और कुछ भी नहीं अभी मैंने किया, लेकिन मैंने करना है लास्ट में। ठीक है मनीप? हाँ ठीक है। हंजला ये लास्ट स्लाइस तुम्हारा, खा क्यों नहीं रहे? अभी तो खाए थे। कितने खाए हैं? 3। जरा मैं 3 खाए हैं। मनीप वैसे खाए तो इसने 4 हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, एक और खा खा ले हंजला, ले ले खा ले, चल कैमरा बंद करो ना, पर उठाता है वो ये मुझे छोटा डकी लगता है डकी, अगर आपने अपना वो देखना है ना, क्या हम शक्ल, ये हंजला को देख लो बोलता भी उसकी तरह है, खाता भी उसकी तरह ही है, वो भी बहुत खाता है। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट शॉपिंग। सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ पे खाड़ी पे, इनकी कुछ कलेक्शन थी जो कि मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। इनके कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने ये ग्रीन वाला आर्टिकल देखा था वो बहुत अच्छा जी। तो दिस वन इज़ आल्सो प्रिटी, और ये ऐसा ड्रेस था जो कि मैं कंफर्टेबली इसको पहन सकती थी। और भी यहाँ पे कुछ कलेक्शन थी जो कि घर बैठे हुए देखें आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मुझे बाहर ही एक शॉप के खाड़ी के बाहर ही कुछ हैंडमेड जो डिज़ाइंस थे वो मुझे दिखे थे। तो अगर आप हैंडमेड चीज़ों का आपको शौक इंटरेस्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके पास कलेक्शन अच्छी थी। सेकंड फ्लोर पे है जी ये एम्पोरियम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपनी पसंद का कोई जोड़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट आगे जी हम शनैर पे, कुछ आर्टिकल्स इनके अच्छे थे लेकिन मुझे बहुत मज़ा नहीं आया देखने का। ये येलो वाला एंड द ब्लू वन, ये बहुत मज़े का था। ये ब्लैक वाला जो है ये अच्छा था, प्रिंट इनका बहुत अच्छा था। इनफेक्ट एक दुपट्टा मुझे अच्छा लगा था, एक येलो वाला, ये इसका ट्राउज़र भी सेम था तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जी आगा नूर पे गए तो आगा नूर पे ये आप देख सकते हैं 3-4 ही चीज़ें पड़ी हुई थी। ये दुपट्टा है, ये ग्रीन वाला मुझे अच्छा लगा था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि बस वो देख के मैं कहती कि बस मैंने यही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं था आगा नूर पे पड़ा हुआ। हालांकि मैंने अपनी शादी की शॉपिंग आगा नूर से बहुत ज़्यादा की थी और बहुत अच्छे तब आर्टिकल्स थे। ये ब्लैक वाला एक अच्छा था और दुपट्टा भी अच्छा था, साइज़ मेरा नहीं था वरना I will definitely buy this article. बहुत अच्छा लगा था मुझे। नेक्स्ट हम लोग जब निकले तो जी ये मुझे अब शॉप का नहीं नाम याद, लेकिन ये आर्टिकल्स जो थे वो अच्छे थे। क्रॉस कल्चर पे गए, वहाँ पे अनस्टिच बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छी बात थी कि सेल भी लगी हुई थी, तो यहाँ से फिर एक दो चीज़ें मैंने उठा ली थी। घर जाके फिर इंशाल्लाह मैंने आपको दिखानी है चीज़ें कि आखिर मैंने ली क्या।
ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी थी और बहुत सस्ती भी थी, लेकिन ये शॉर्ट थी तो शॉर्ट मैंने नहीं पहनी तो फिर मैंने ये नहीं ली थी। तो ये सायरास के आउटलेट के बाहर ये ड्रेस था, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारा सा ड्रेस देख सकते हैं। ये अलमीरा पे हम गए थे, अलमीरा का एकदम से ये वाला ब्लैक वाला और एक और था इनका पिंक वाला, हाँ ये पिंक, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसको मैं आपको दोबारा से दिखाते हैं, प्राइस भी आप देख सकते हैं। इसका ट्राउज़र बहुत मज़े का था, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था, और ये एक वाइट वाला आर्टिकल था और इसमें अनस्टिच भी था अगर आप अनस्टिच लेना चाहते हैं तो। इसी तरह से ये एक दो जोड़े जो कि अच्छे थे और मुनासिब रेट में जी। तो अब मैं थक गई और थकने के बाद मेरा दिल किया कि कुछ कोई मेरी टांगे ना दबा दे। अब मेरे साथ जी मेरी मेट थी, अब उसको तो वहाँ पे मैं बिठा नहीं सकती थी, तो एकदम से मुझे मशीन नज़र आई, मैं बैठ कर ऐसा रिलैक्स हो गई कि मज़ा आ गया। रायहा आप भी थक गए हो बेटे? और जी यहाँ पे रायहा सही इंजॉय करते हुए, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा इंजॉय रायहा ने किया और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि इतना घूमता फिरता खेलता और फिर भी फ्रेश का फ्रेश, माशाल्लाह माशाल्लाह। शॉपिंग हो गई और पता नहीं हमने क्या शॉपिंग की, मुझे तो समझ नहीं आई। अब हम घर जा रहे हैं और जो किए वो मैं आपके साथ लाजमी दिखाऊँगी, आपको शेयर करूँगी आपके साथ। अभी घर चलते हैं, 2 बज गए हैं, बोरियों में बंद होने वाला है। अच्छा जी, तो बहुत सा टाइम लगा के कुछ शॉपिंग की है मैंने, और जो कुछ शॉपिंग है मेरा दिल है मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ। थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ मैं, फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा शॉपिंग आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि फिर चीज़ें सब इधर उधर मैंने रख देनी और मुझे भूल जाना है कि मैंने कहाँ पर रखी हैं, और रायहा की चीज़ें एक दफ़ा मैंने खोल ली ना तो फिर रायहा से कोई भी नहीं बचा सकता। तो उससे पहले जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ जी। ये मुझे मिल गया था स्टिच्ड ही क्रॉस कल्चर का, इनके पास अच्छी वैरायटी थी और सेल भी इनकी लगी हुई थी। तो ये शर्ट थी, इसका फैब्रिक बहुत मज़े का है, और ये जी इसकी शलवार है, फैब्रिक भी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और वैसे भी खुला डुला सा मेरे हिसाब का पहनने वाला। ये 2 पीस थे, पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, बस मुझे अच्छा लगा था जल्दी से तो फिर मैंने ये ले लिया था। दुपट्टा है और ये अनस्टिच है, तो जब मैं सिलवाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये है रायहा की शॉपिंग जिसमें मुनीत ने कहा था कि जॉगर्स रायहा के लाजमी लेने हैं क्योंकि वो जिम जाती है और जॉगर्स उसके छोटे हो गए थे। ये एक पेयर लिया था और बाकी मुझे इतने अच्छे लग रहे थे लेकिन कोई भी रायहा का साइज़ मुझे नहीं मिल रहा था, वो सब जो थे वो सेल आउट हो गए थे। कोई नहीं, फिर ईद के बाद जाके इंशाल्लाह ले आऊँगी, यहाँ से कहीं से पता करूँगी। मुझे एक रेड कलर का रायहा के स्लीपर्स चाहिए, अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये एक मैं रायहा की शर्ट लाई थी, साथ में ये इसका ट्राउज़र मैच करके मैं लेके आई हूँ, तो ये ज़रा डिफरेंट सा स्टाइल मुझे लगा था तो मैं ले आई, मुझे लगा कि अच्छा लगेगा। और ये एक बैग था, ये भी अच्छा लगा था। और जी ये मुनीत की फरमाइश पर हम लेके आए हैं, और ये है बात टॉवल, आई गेस बात टॉवल ही है ना, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था, बात गाउन ही है, हाँ वही। और बहुत मज़े का था जब रायहा ने पहना हुआ था, तो जब रायहा पहनेगी ना मैं आपको तब दिखाऊंगी, क्योंकि पहनी हुई चीज़ ना ज़रा और लुक देती है, ये बहुत प्यारा सा था। तो ये भी हम एक ले आए, और ये रायहा को गिफ्ट मिल गया था बच्चा पार्टी से, और हमें एक कूपन मिला था जो कि हमने उसको यूज़ कर लिया था। बस जी इतनी सी हमारी शॉपिंग है, थोड़ी सी, और 3-4 घंटे हमने लगा दिए देखिए तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और बहुत थक गई हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो गई है, किया मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं है, शॉपिंग भी नहीं ज़्यादा हो सकी, बहुत सी चीज़ें लेनी थी लेकिन नहीं ले सके। एक ईद का ड्रेस लिया जो कि मैं नहीं दिखाऊँगी, और वो ईद वाले दिन ही पहन के आपको दिखाऊँगी। जूते लेने थे मैंने, वो भी नहीं मैं ले सकी। अब यहाँ से कहीं से बेरिया टाउन से देखूंगी कहीं से कुछ मुझे मिल जाता है मैं ले लूँगी, नहीं तो खैर ऐसे भी चला लेते हैं जी आप ये वाली ईद, क्योंकि इस हालत में तो अब बस हो गया। और जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप पसंद कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है ना वो ज़रा कम कम हो रही है, तो सब्सक्राइब करें जी, हमें इसी तरह से आपकी प्यार आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।